हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं आईटी सब्जेक्ट्स के साथ। जी हां, एमबीए आईटी सब्जेक्ट के साथ। काफी समय से डिमांड आ रही थी, सर आईटी भी शुरू कर दीजिए, फाइनेंस के भी वीडियो आज पैरेलल आज शाम तक अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। पीपीटी के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, पीपीटी नहीं आ रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, मुझे पता है। जैसे ही हमारी फोर्थ यूनिट तक कंप्लीट होगी किसी भी सब्जेक्ट की, चार यूनिट की और पांच यूनिट की पीपीटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। वरना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट यूनिट ऊपर है तो बच्चों को, आपको तो पता ही है कि आपसे इतनी मेहनत होगी नहीं कि फर्स्ट यूनिट ऊपर है, सेकंड किसी और की आ गई तो परेशान हो जाते हैं। फिर मैसेज आता है कि सर सेकंड यूनिट नहीं मिल रही, तो एक साथ सारी यूनिट आएगी, परेशान होने की बात नहीं है। अपन आईटी के फर्स्ट यूनिट आ गया हूं मैं, डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, अपन शुरू करने जा रहे हैं इसका। एमबीए थर्ड सेम में है, बीबीए में है, बीसीए के अंदर भी ये सब्जेक्ट आता है, बीकॉम में तो ऑनर्स में ही रहता है, एमकॉम में ये कहीं कहीं देखने को मिला है मेरे को ये सब्जेक्ट, ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कह सकता हूँ कि इससे दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। देखो ईमानदारी से, ज्यादा नहीं आते लेकिन दो क्वेश्चन इसमें से कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी, यानी कि जरूरी नहीं हर अटेम्प्ट में पूछा जाए लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला जो इसका टॉपिक आता है बिजनेस एनालिटिक्स, कि व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स। तो सबसे पहला ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद इस टॉपिक पे आता हूं। देखिए ना, सब्जेक्ट लिखा है डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। अब यहां पर वर्ड है डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो जब मैं डेटा के ऊपर जाता हूं तो क्या है भाई डेटा, डेटा क्या है। जब मैं डेटा के ऊपर गया तो व्हाट इज डेटा, एक डेटा इज, डेटा सेम है कि इंफॉर्मेशन सेम है। यहां बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता है, इन्फॉर्मेशन का जो रॉ रूप होता है वही डेटा है, रॉ यानी कच्चा, जिससे हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। डाटा यानी कि अब मैंने पूछा कि इस क्लास में बताओ कितने बच्चों के क्या क्या परसेंटेज हैं, तो किसी ने कहा 70, किसी ने कहा 60, किसी ने कहा 36, किसी ने कहा 90, किसी ने कहा 80। तो ये क्या हुआ, ये सारा का सारा कहलाया डेटा। लेकिन अगर मैंने उसमें एनालिसिस कर लिया कि कितने बच्चे फर्स्ट डिविजन है, मान लेते हैं 35 स्टूडेंट फर्स्ट डिविजन है, सेकेंड डिविजन जो है वो 40 स्टूडेंट है, और थर्ड डिवीजन जो है वो 5 स्टूडेंट है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन। ये एक बेसिकली उसका डिफरेंस है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सब्जेक्ट है आपका डेटा एनालिसिस, ना कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस, यानी कि डेटा एनालिसिस करके उसको इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना है। क्या करना है, डेटा एनालिसिस करके उसको इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना है। आईटी का सब्जेक्ट लेकिन पूरा एक्सेल और मैथ्स के पावर वाला चाहिए इसमें बंदा, ठीक है। अब ये डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, अब यहां पर जो भी डेटा की बात हो रही है वो केवल और केवल बिजनेस के डिसीजंस के रिलेटेड बात होगी, यानी मार्केटिंग की बात होगी, सेल्स की बात होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन रेशियो की बात होगी, ये सारी की सारी हम बातें करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है। जो बिजनेस के बारे में जानता है वो बिजनेस एनालिटिक्स है। जैसे कि सर डेटा एनालिटिक्स अभी अपन ने पढ़ा और इसका डिफरेंस अपन बिजनेस एनालिटिक्स में भी देखेंगे अभी आगे थोड़ी देर के अंदर ही। तो बिजनेस एनालिटिक्स वो बंदा है जो बिजनेस की सारी चीजें जानता है, लाइक कि आजकल ये बहुत हो गए बिजनेस एनालिटिक्स, लाइक कि एक बंदा है उसने टी की शॉप खोली, इसकी शॉप खोली टी की शॉप खोली, ठीक है, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसने क्लोथ मार्केट में गया, वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया कि भाई अब मैं होलसेल का काम करूंगा, और वहां पे वो अच्छे से काम करने लगा। तो अब उसको टी का नॉलेज है, इस क्लोथ शॉप का नॉलेज है और टेक्सटाइल का, यानी कि उसको तीन बिजनेसेस का नॉलेज है। जो बिजनेस एनालिटिक्स होता है वो पास्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, पास्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पास्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कुछ एनालिसिस करता है कि इस बिजनेस की फ्यूचर सेल कितनी रहने वाली है, फ्यूचर सेल कितनी रहने वाली है, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इन भैया ने टी की शॉप खोली क्यों फेल हो गए, उसका इन्होंने एनालिसिस करा।
क्लोथ मार्केट में गए, कपड़े की दुकान लगाई, फिर फेल हो गए, फिर एनालिसिस करा, फिर इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए और यहां सक्सेसफुल हुए। तो क्यों, किस कारण से क्लोथ मार्केट नहीं चल पा रहा था, किस कारण से वो टी की जो शॉप है उन्होंने खोली थी वो नहीं चल पा रही थी, तो इन सब का एनालिसिस करके जो रिजल्ट देता है उस व्यक्ति को हम बिजनेस एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब बिजनेस का डेटा, कौन सा डेटा, बिजनेस के, सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, बिजनेस का जो डेटा है मींस के बिजनेस के रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये अगर मेरा तो नया बिजनेस है सर, पुराना 5 साल पुराना है नहीं, तो रिकॉर्ड कहां से आएंगे जो दूसरे सिमिलर बिजनेस चल रहे हैं उनके। और अगर कोई नोवेल है, कोई नई चीज है, तो उसका ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं आता कि बिजनेस एनालिटिक्स ये बता सके कि ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। आप कोई नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में गए और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके सिमिलर इंडस्ट्री को देख के हम पता कर सकते हैं, हम मार्केट में डिमांड को देख के पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अजूबा नहीं है जो बता सके कि हाँ ये चलना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है तो हम एग्जैक्ट डेटा फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो बिजनेस के डेटा यानी कि रिकॉर्ड को लेके अगर हम कुछ एनालिसिस करते हैं, मैं ही वो एनालिसिस करता हूं, तो मैं ही बन जाता हूं बिजनेस एनालिटिक्स। सिंपल से एक सिंपल सी जॉब है। अब ये बिजनेस एनालिटिक्स की जॉब क्या है कि कोई बिजनेस के जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके थ्रू बताना कि ये आपके बिजनेस के ड्रॉबैक्स हैं, ये आपके बिजनेस के बेनिफिट्स हैं, ये आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ है, ये आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, और ये आपके बिजनेस के थ्रेट्स हैं। अगर आप यहाँ यहाँ वेरीफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस इतने परसेंट बढ़ जाएंगे। दैट इज द मेन रोल ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब वो जो दो बिजनेस से वो मिस्टर हार गया था, चाय का धंधा और कपड़े का धंधा, तो उसका थर्ड बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, तो उसने दो बिजनेस से कुछ ना कुछ सीखा। जो सीख रहा है, वो जो सिखाया जा रहा है, वो बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू सिखाया जा रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना है। स्पेशली बिजनेस एनालिटिक्स रिफर्स टू द टेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल बिजनेस डेटा, एनालाइजिंग दैट डेटा द आइडेंटिफाइड ट्रेंड। ट्रेंड यानी अभी चलन में क्या चल रहा है, पैटर्न एंड रूट कॉज, अभी क्या पैटर्न में चल रहा है और ये क्यों ऊपर नीचे जा रहा है। आज के जमाने में कोई कहे कि मैं आपको 2G का नेट डेटा बेचूंगा, कौन सा डेटा सर, 2G का नेट डेटा बेचूंगा और 1 रुपया पर GB बेचूंगा, तो भी लोग खरीदने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीड कम है। अभी ट्रेंड 4G, अब तो 5G का आने वाला है, तो अब 5G के ट्रेंड में अगर कोई 2G का डेटा बेचेगा तो वो सेल आउट नहीं होगा। तो हमको पता लगाना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, हमारी पिछले कितनी डिमांड थी, क्या थे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। 2017 में किसी कंपनी की सेल्स 10 करोड़ थी, 18 में उसकी सेल 15 करोड़ हुई, 19 में उसकी सेल 20 करोड़ हुई, 20 में उसकी सेल 25 करोड़ हुई, 21 में अब कितनी सेल होगी, तो आप में से 99% बच्चे बोल लेंगे सर 30 करोड़ रुपए होने वाली है, क्योंकि हर साल 5 करोड़ की सेल अपलिफ्ट होती है, हर साल 5 करोड़ की सेल अपलिफ्ट होती है। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब आप सभी जिन्होंने भी 30 करोड़ का जवाब दिया है वो सभी डाटा एनालिटिक्स बन गए, आप सभी बिजनेस एनालिटिक्स बन गए, और यही डाटा एनालिटिक्स का थोड़ा सा अपर वर्जन है। यहां पर आपको बिजनेस के रूट कॉज भी पता होने चाहिए कि 5 करोड़ की सेल बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, बिजनेस की स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जो हम SWOT एनालिसिस में कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, वो पता होना चाहिए। यानी कि आप डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में क्या फर्क है, डाटा एनालिटिक्स ओनली गिव द रिजल्ट, क्या दे देता है भैया, रिजल्ट दे देता है, लेकिन ये 5 करोड़ की क्यों बढ़ी, इसके पीछे क्या बिहाइंड द सीन चल रहा था, वो नहीं बता पाता। तो डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में आपको डिफरेंस पता चल गया ही होगा, लेकिन अपन इसको थोरली देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है ना, इसके बाद वाला खैर, ये हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिसिस। अब हिस्टोरिकल ओवरव्यू का, जैसे कि कहा जाए कि डाटा एनालिसिस का हिस्टोरिकल ओवरव्यू कहाँ है, कब से शुरुआत हुई थी, तो आपको केवल एक साल याद रख लेना है, 1960 से अप्रोक्स ये डाटा एनालिटिक्स का काम शुरू हो गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि अब डेटा के बल पे हम प्रोबेबिलिटी करेंगे कि इस कंपनी को कितनी मशीन्स की जरूरत है, कितनी डिमांड की जरूरत है। पहले भी ऐसा ही होता था, पहले भी अनुमान लगाया जाता था, लेकिन अब मोर एक्यूरेट वे से, अब एल्गोरिदम यूज करके, अब सॉफ्टवेयर यूज करके इसका अनुमान लगाया जाता है। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर है सर, इसमें जो सॉफ्टवेयर है देखेगा, ये
कुछ देव इन्फो सॉफ्टवेयर है, ELKI सॉफ्टवेयर है, ऑरेंज है, पॉ है, ठीक है, रूट सॉफ्टवेयर काफी फेमस है, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमको केवल हेल्प करते हैं डाटा को एनालिसिस करने में और जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब ये सॉफ्टवेयर की डिटेल लिखी हुई है, सारे सॉफ्टवेयर के नाम ही याद हो जाएंगे तो काफी है। अपने MBA के कोर्स के अंदर इन सॉफ्टवेयर के नाम के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डाटा एनालिसिस में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, या स्टेप्स होती है या आप कह सकते हो उनके एरिया होते हैं। मैं इसको एरिया कहना ज्यादा प्रिफर करूंगा कि भाई साहब एरिया कौन कौन सा है डाटा एनालिटिक्स का एरिया, कि मेरे को डाटा का एनालिसिस करना है, या उसकी टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। तो जब मैं उसकी टर्मिनोलॉजी में जाता हूं तो पहला पॉइंट निकल कर आता है डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस क्या है? एक ऐसी जगह, जैसे वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, एक ऐसी जगह जहां पर डेटा को रखा जाता है, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, वो डाटा वेयर हाउस कहलाता है। इसकी खासियत ये होती है डाटा वेयर हाउस में नॉर्मली कोई चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब नो एडिटिंग, एडिट नहीं किया जा सकता। मतलब आप डाटा वेयर हाउस के अंदर आपने मान लीजिए 1 GB का डेटा रखा, तो आप 2 GB एड कर सकते हो लेकिन ये 1 GB को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर 1 GB के बाद उसकी लिमिट कंप्लीट हो गई, मैंने एक एग्जांपल दिया, खैर ये तो खुद टेराबाइट से भी ऊपर में ही चलता है, अपन को केवल इतना याद रखना है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है वो डेटा वेयर हाउस कहलाता है। डेटा वेयर हाउस को नॉर्मली एडिट नहीं किया जाता। अगर कोई नया डेटा या डेटा फुल हो जाता है तो इसको एडिट नहीं करके अपन दूसरा डेटा वेयर हाउस बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और इसको एडिट करने का एक प्रोसेस होता है बेसिकली, वो भी अगर कोर्स में है अपने सेकंड यूनिट के अंदर अपन पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस। अब डेटा वेयर हाउस तो केवल डेटा इंजीनियर्स के लिए जरूरी है, लेकिन यहां पर बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस, जैसे अभी सर्दियों का समय आ गया है तो अभी स्वेटर, कोट, हुडीज, इन सबकी सेल बढ़ने वाली है। अब ये कोई डेटा नहीं बता रहा, डेटा तो यह बता रहा है कि इस महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर सेल्स ग्रोथ होगी, लेकिन क्यों होगी, क्या उसके पीछे एनवायरमेंटल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो उसमें वर्क कर रहा है, वो बिजनेस इंटेलिजेंस बताती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब डेटा माइनिंग, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है डेटा माइनिंग। अब ये डेटा माइनिंग होती क्या है? डेटा को व्यवस्थित करना, यानी माइनिंग का मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, है ना, माइनिंग का यहां पर मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि अब मेरे पास डेटा है, बहुत बड़ा डेटा का वेयर हाउस पड़ा है। अब मान लो मेरे पास 2011 का भी डेटा है, 12 का भी है, 13 का भी है, 14 का भी है, 15 का भी है, ठीक है, ऐसे करते 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 मेरे पास 2022 तक का टोटल कंप्लीट डेटा रखा हुआ है। अब मेरे को चेक करना है कि 2013 टू 2022 कितना कंपैरिजन ग्रोथ हुई किसी कंपनी में या किसी प्रोडक्ट में, तो उसके लिए मेरे को 2013 का कुछ डेटा लेना होगा, किसी कैटेगरी में 14 का लेना होगा, इसी 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये सब मैं करके एक इसकी अलग टेबल बनाऊंगा। इस टेबल को ही डेटा माइनिंग का रूप दिया गया, मतलब इस प्रोसेस को, दिस इज द प्रोसेस, मींस कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उनसे हमारे नीड के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे आप ये कह सकते हो हमारी आवश्यकता, नीड हो गई हमारी, यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिससे हम क्या ले सके, डिसीजन ले सके, यही क्या कहलाती है? डेटा माइनिंग कहलाती है। डेटा माइनिंग, अभी तक तो बिटकॉइन माइनिंग का बहुत टर्म चल रहा है, अभी डेटा माइनिंग का बस इतना मतलब है कि जो ऑलरेडी है डेटा उसमें से हमको हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना डेटा माइनिंग कहलाती है। ये भी डेटा एनालिटिक्स का ही काम है। इसके बाद बिग डेटा, जो डेटा, बिग डेटा मीन्स कि जब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको बिग डेटा बोलते हैं। इतना मतलब सिंपल टर्मिनोलॉजी है लेकिन काफी इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों पढ़ाया जाता है मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया। बिग डेटा इज सिंपली मीन एज द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि भारत के आधार कार्ड का डेटा, पूरे भारतवर्ष में कितने नागरिक है उन सबके आधार कार्ड का डेटा इज वन ऑफ काइंड ऑफ बिग डेटा। क्लियर है। एनालिटिक्स इन द क्लाउड्स। अब ये क्लाउड क्या होता है? क्लाउड में फिजिकल सर्वर्स ही होते हैं एक तरीके के। अब इनके अंदर भी डेटा रखा जाता है। ये डेटा, बिग डेटा अगर हमको रखना होता है तो यहाँ पे रखा जाता है। अमेजोन के क्लाउड्स हैं, एन नंबर्स ऑफ द कंपनी अपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गूगल के क्लाउड्स हैं। तो
बस इन्हीं क्लाउड का एनालिसिस करना, मतलब इन क्लाउड्स के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसका एनालिसिस करना। और यहाँ पर डेटा यूजुअली कौन सा होता है, बिग डेटा होता है। ज्यादा डेटा होता है तो हम क्लाउड के अंदर स्टोर करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हवा में रखा हुआ है, ये भी एक फिजिकल स्टोर के अंदर ही है, ठीक है, जिसमें कहा गया एनालिटिक्स ऑफ द क्लाउड्स, तो उसको बात बताएगी। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है किसमें, डाटा एनालिटिक्स के अंदर, सॉरी बिजनेस एनालिटिक्स डाटा एनालिटिक्स दोनों की कंबाइंड की बताई। जब मैं डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूं तो डाटा माइनिंग आ गई, बिग डेटा आ गया, डाटा वेयर हाउस आ गया। जब मैं बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस आ गया। बहुत सिंपल है ना, बहुत इतना इजी सब्जेक्ट है ना कि आप सभी आईटी के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब अगला जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार आता ही है, ये वाला क्वेश्चन है, डाटा साइंटिस्ट डाटा इंजीनियर और बिजनेस एनालिटिक्स। यानी कि डाटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, डाटा इंजीनियर कौन होते हैं और बिजनेस एनालिटिक्स कौन होते हैं। अब इसको पहले समझते हैं और उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे। थ्योरी व्योरी का तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस के बारे में जानकारी रखता हो, जो बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस जानता हो कि बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कौन सा मिस्टर जो अपन ने देखा था क्लोथ का बिजनेस नहीं चला, टी का बिजनेस नहीं चला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी फाइनली चली तो इसका रीजन क्या रहा, उसमें कौन से पैरामीटर इन्होंने यूज करे, कैसे इन्होंने लेबर हैंडलिंग करी, कैसे इन्होंने मशीन मैन पावर हैंडलिंग करी, कैसे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी, ये काम होता है सारे का सारा बिजनेस एनालिटिक्स का। इतनी बार समझ में आ गए। जो डाटा एनालिटिक डाटा साइंटिस्ट है, ये आप ये मान लेते हैं अपन डाटा साइंटिस्ट है, उसके अंदर कुछ बिजनेस एनालिटिक्स के भी गुण है और कुछ डाटा इंजीनियर के भी गुण है। अब डाटा इंजीनियर्स कौन से होते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक करे हुए होते हैं या बीसीए करे हुए होते हैं। डाटा इंजीनियर्स क्या है, ये डाटा है, इसको मेरे को रखना है, 5 years की सेल्स है, 5 years की परचेज है, 20 years की सेल है, 20 years की परचेज है, 20 years की एम्प्लॉय की सैलरी, 20 years की एम्प्लॉय की कॉस्ट है, 20 years की पर्टिकुलर कोई एक्सपेंसेस है, कोई वॉचमैन की सैलरी है, इसको अलग अलग हेड्स के अंदर रखना है एज ए अकाउंटेंट। और यहां पर आपको डेटा रखना कि ये वाले स्टूडेंट्स का ये वाला परफॉर्मेंस है, ये आपके कॉलेज के अंदर भी कौन करता है, आपका कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट सेल का काम होता है कि हर स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि उसने कितनी ट्रेनिंग करी है, उसने कितना उसको अपने समर ट्रेनिंग कहाँ करी, इंटर्नशिप कहाँ करी, उसने उसको कितने का हमको पैकेज लगाना है, कौन सी कंपनी से हमको टाइप करना है, पिछली बार कौन सी कंपनी आई थी, इस बार कौन सी कोर फील्ड में जॉब्स है, ये डाटा साइंटिस्ट का काम है, सॉरी डाटा इंजीनियर्स का काम है, ये डाटा इंजीनियर्स। अब डाटा इंजीनियर्स का कुछ हिस्सा लेता हूं और बिजनेस एनालिटिक्स का कुछ हिस्सा लेता हूं। क्या बोला मैंने, डाटा इंजीनियर्स का कुछ हिस्सा लिया मैंने और बिजनेस एनालिटिक्स का कुछ हिस्सा लिया, तो ये जो कॉमन में हिस्सा आ गया, ये जो कॉमन में हिस्सा आ गया, यही तो मेरा कहलाया डाटा साइंटिस्ट। क्या कहलाया, डाटा साइंटिस्ट। आइए थोड़ा एक ग्राफ वगैरह भी होना चाहिए इसका, ये रहा, तो ये काफी फेमस है, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। अब एक तरफ दे रखा है डेटा इंजीनियर, अभी डेटा इंजीनियर का मतलब क्या है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो केवल डेटा को स्टोर का काम करते हैं, डेटा की माइनिंग का काम करते हैं, है ना, इनका एंड रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होता, ना इसको इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर लाने का मतलब होता है, दे आर ओनली द कलेक्टिंग ऑफ द डेटा एंड द माइनिंग ऑफ द डेटा। कि मैं भैया बोल दूं कि भैया जैसे होता है कि इसमें कहा गया कि मैंने मेरे पियोन को बोला भैया कि चौथे नंबर की फाइल ले आओ, तो वो चौथे नंबर की फाइल ले आया, पांचवे नंबर की फाइल मंगाई, पांचवे नंबर की फाइल ले आया, तो यही काम इनका डेटा इंजीनियर्स का होता है। तो ये जो डेटा इंजीनियर्स का काम क्या है, केवल डेटा को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को जब इसकी जरूरत हो तो उसको प्रेजेंट भी करना, स्टोर भी करना और प्रेजेंट भी करना, ठीक है। मैं वही फाइल वापस से मेरे पियन भैया को देता हूं और उनको बोलता हूं कि भैया इसको वापस जाके फोर्थ रैक में रख दो या फिफ्थ रैक में रख दो, तो ये डेटा इंजीनियर का काम हो गया। इतनी बात समझ में। अब ये जो बिजनेस एनालिटिक्स है, ये डोमेन एक्सपर्ट है। अब डोमेन का मतलब यहां पर www डोमेन से नहीं है, यहां पर डोमेन का मतलब है उसके मूल डोमेन से। यानी कि हो सकता है कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, कोई आईटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, कोई हो सकता है कि क्लोथ इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, यानी कि उसका जो डोमेन है, कोई क्रिकेटर हो तो क्रिकेट में एक्सपर्ट हो, तो वो उसका जो मूलभूत है उसके अंदर वो एक्सपर्ट हो, और उसमें उसको पता हो कि ये अगर मेरे को बिजनेस करना है, यदि मेरे को ई कॉमर्स पे बिजनेस करना है तो इसके ये बेनिफिट्स और ये लॉसेस हैं, इसमें मेरे को ऐसे ग्रोथ मिलेगी, ऐसे ग्रोथ नहीं मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, बिजनेस एनालिटिक्स कहलाती है, ठीक है। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है कि थोड़ा मेरे को डेटा इंजीनियर भी आना चाहिए, थोड़ा बिजनेस एनालिटिक्स भी आना चाहिए, और इससे मैं कुछ आइडेंटिफाई कर लेता हूं, जिसके अंदर हमने रिग्रेशन पढ़ा था,
रिग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, जो QTM में अपन ने पढ़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन, रिग्रेशन, वो LPP मॉडल, वो सारे के सारे स्टैटिकल एनालिसिस, वो काम किसका होता है? डेटा साइंटिस्ट का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो, डाटा साइंटिस्ट वो होता है जो बिजनेस इंजीनियरिंग के भी गुण लेकर बैठा होता है, ठीक है, डाटा इंजीनियरिंग के भी गुण लेकर बनना होता है और बिजनेस एनालिटिक्स के भी गुण लेकर बैठा होता है। मीन्स कि किसी भी डेटा के ऊपर, किसी भी डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करके, यानी कि उसको एक इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करके वो क्या ले सकता है? डिसीजन ले सकता है। तो अब ये काम के कौन कर पाता है कंपनी में? ये काम कर पाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। कौन कर पाता है? टॉप मैनेजमेंट। उसको टॉप मैनेजमेंट, उसको पास डेटा दिया गया, इंफॉर्मेशन दी गई, डेटा एक्सट्रैक्ट करके डेटा इंजीनियर्स ने दिया, बिजनेस एनालिटिक्स ने इंफॉर्मेशन दी और उस पर डिसीजन का काम कौन करा? टॉप मैनेजमेंट ने काम करा। तो उनके पास कौन सी स्किल हो गई? डाटा साइंटिस्ट की स्किल हो गई। मींस दे आर नॉट ओनली कि उनको उनकी इंफॉर्मेशन पता चली, वो उसके ऊपर डिसीजन भी ले पाए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो है उसमें इतने, फर्स्ट डिवीजन इतने बच्चे, सेकंड डिवीजन इतने, थर्ड डिवीजन इतने, तो उससे अगर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाउ कि जो सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उनका इंप्रूवमेंट कैसा किया जाए, क्या कोई टेस्ट सीरीज कराई जाए, कहीं पर प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए, तो वो किसका काम है? वो डेटा साइंटिस्ट का काम है। तो डेटा साइंटिस्ट कौन हो? जिनके पास डेटा इंजीनियर का भी थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज उनके पास, थोड़ा मतलब कि कंप्लीट नॉलेज तो जरूरी नहीं है। आज जैसे कि मैं वापस मेरे PNBA को बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि सेकंड नंबर रैक की ये वाली फाइल लेकर आना, तो उन्हें ही पता है कि वो चीज कहां रखी हुई है, मुझे नहीं पता है। जब मुझे नहीं पता है तो मैं उनके थोड़ा सा नॉलेज है, मेरे को आइडिया है, हाँ वहां पे वो अलमीरा है, वहां पर वो सेकंड रो में या थर्ड रो के अंदर वो रखी हुई होगी, आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। जब मुझे आइडिया है, मतलब कि थोड़ा सा नॉलेज है, तब मैं जाके बन रहा हूं। डाटा इंजीनियर का पूरा ज्ञान हो जाए भैया, मैं ही वहां रखने लग जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरीके से मेरे को बिजनेस का भी नॉलेज होना जरूरी है कि भाई बिजनेस चलता किन किन कारणों से, क्या इसमें लूप होल रहते हैं, क्या इसमें कॉस्ट कटिंग रहती है, सारी की सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो ये भी स्किल होनी चाहिए, ये भी स्किल होनी चाहिए। और इसके बाद जो डेटा मेरे पास इकट्ठा होता है, जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म में मेरे पास डेटा इकट्ठा हुआ है, डेटा को इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर भी मेरे को ट्रांसलेट करना आनी चाहिए, और फिर इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके मेरे को क्या करने आना चाहिए? डिसीजन लेना आना चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन से मेरे पास चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, और इन चार ऑप्शन में से कंपनी कौन सा ऑप्शन लेगी? कि कंपनी को करनी है ग्रोथ, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेक ओवर, यानी दूसरी कंपनी खरीद लेते हैं। ऑप्शन बी एक्सपांशन, एक्सपांड कर लो, ठीक है। ऑप्शन सी आप मान सकते हो, टेक ओवर नहीं करना अपन को, और टेक ओवर नहीं करना, एक्सपेंशन नहीं करना, अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, अपन एग्जिस्टिंग यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी। तो तीन ऑप्शन है, ठीक है, टेक ओवर करना किसी कंपनी को, दूसरा कि आप एक्सपेंशन कर दो, नई यूनिट डाल दो, तीसरा जो अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट है इसी को मेरे को बढ़ाना है। तो ये डेटा आ गया है ना, ये मेरा क्या क्वेरी आई। अब इसमें मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा कि मेरे 5 साल में बजट कितना रहा, 5 साल में कैश फ्लो कितना रहा, फंड फ्लो कितना रहा, उससे मैं रेशियो निकालूंगा कि अगर मेरे को नई कंपनी खरीदनी है तो कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, नया एक्सपेंशन करना है तो कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, और अगर एग्जिस्टिंग यूनिट पे वर्कलोड बढ़ाना है तो कितना अभी मैं अंडर वर्क चल रहा हूं, मतलब कि कैपेसिटी से कितना कम चल रहा है, उस पर मैंने डिसीजन लिया कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, सबसे कम कॉस्ट मेरी इसमें लगेगी और ये रैपिड हो पाएगा, और मेरे को मेरे जो ग्रोथ का अचीव करना है टारगेट, मान लो 5 करोड़ रुपीस ग्रोथ का टारगेट अचीव करना है, तो वो चीजें एग्जिस्टिंग यूनिट को अपलिफ्ट करके करी जा सकती है विदाउट एनी कॉस्ट। तो मैं कौन से ऑप्शन पे जाता हूं? सी ऑप्शन पे जाता हूं। ये हुआ डेटा साइंटिस्ट का काम। आप एक सिंगल लाइन में कीजिए, केवल डेटा को गैदर करना, एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं है, बिजनेस के पैरामीटर सीखना ही नहीं है, बाकी बिजनेस को इसकी नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना, यानी डिसीजन सीखना करना, यह कहलाता है डेटा साइंटिस्ट का काम। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल मैंने बताया है, ठीक है। इसके अंदर और डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे डेटा एनालिसिस क्या करेगा, केवल डेटा का वेयरहाउस रखेगा, डेटा इंजीनियर क्या करेगा, वेयरहाउस भी रखेगा भैया, और वो उसका
एक्सट्रैक्ट करके भी हमको देगा, और डेटा साइंटिस्ट स्टैटिकल टूल से एनालिसिस करेगा डेटा का, स्टैटिकल टूल से। अब ये डेटा साइंटिस्ट को डेटा माइनिंग आनी चाहिए, डेटा एनालिटिक्स को क्या आना चाहिए, केवल गूगल एनालिटिक्स आना चाहिए कि ये जो डेटा है इसको कैसे करना है, मतलब एक्सेल सीख ली तो आप डेटा एनालिटिक्स बन जाओगे, एक्सेल में फॉर्मूला लगाना सीख लिया, डाटा एंट्री सीखी तो डेटा इंजीनियर। देखो और सिंपल से सिखाता हूं, डाटा एंट्री सीख ली तो डेटा इंजीनियर, उसको फॉर्म बनाना, उससे ग्राफ बनाना, उससे टेबल्स बनाना, उसमें फॉर्मूला लगाना सीखा तो डेटा एनालिसिस, उन फॉर्मूला के बेस पे आपने डिसीजन लेना जब सीख लिया तो डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है। अब इसमें रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा होता है, इसमें डेटा आर्किटेक्चरिंग एंड पाइपलाइन होता है। डेटा आर्किटेक्चरिंग मीन्स कि हम कैसे तरीके से उस डेटा को रखते हैं, जैसे सपोज मेरा डेटा है, एक है डेट वाइज, यहां पर मैंने डेट लिखा है, यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे नेम है, और अगले के अंदर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, ये चार मैंने बना दिए, ठीक है। अब ये जब मैंने चार बनाए हैं तो ये एक मेथड है, ठीक है। दूसरे मेथड में मैं डेटा डेट लिखूंगा केवल, मोबाइल नंबर लिखूंगा और क्या करा नेम लिख दिया, ये एक मेथड है, ठीक है। एक मेथड क्या कह रहा है कि डेट ऐसे लिखो, मोबाइल नंबर ऐसे लिखो और नेम ऐसे लिखो, ये एक मेथड है, यानी कि अब मैं प्रेजेंटेशन ऐसे कर रहा हूं, समझ में आया। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इसी को डेटा आर्किटेक्ट बोला जाता है। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत सिंपल से मैंने आपको बताया कि डेटा आर्किटेक्ट क्या है, किसी चीज को रखने को ही वहां पर डेटा आर्किटेक्चर बोला है, कि आप किस ढंग से उसको रख रहे हो, और वो ढंग ऐसा होना चाहिए, मीन्स की वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगली बार मेरे को कोई डेटा चाहिए हो तो मेरे को वो डेटा तुरंत मिल जाए। यानी कि अगर मैं ऐसे फॉर्म में रखूंगा, लैंडस्केप में रखूंगा, तो कभी भी मेरे को डेटा अगर ढूंढना होगा, सॉर्टिंग करनी होगी, तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इसमें सॉर्टिंग करनी है तो सीरियल नंबर वाइज है, नेम वाइज सॉर्टिंग कर सकता हूं, डेट वाइज में चेक कर सकता हूं, ठीक है, मोबाइल नंबर वाइज में चेक कर सकता हूं। तो एज ए एक क्वेश्चन दिया है कि टेबल का, मैंने आपको एक बताया तरीका कि इस तरीके का डेटा को डिजाइन किया जाता है। अगर मैं सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर का कॉलम ही नहीं रखूं, डेट के नीचे ही मोबाइल नंबर नेम लिख दूं, या सबको क्लस्टर फॉर्म में लिख दूं, एक एक चीज को चेंज नहीं करूं, तो मैं अगर पूछ लूं कि बताओ आनंद का मोबाइल नंबर क्या है, तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद के नीचे हो सकता है किसी और का मोबाइल नंबर हो, फिर वो जिसको याद है वही बोल पाएगा। तो गेटिंग माई पॉइंट, तो यही सारी चीजें क्या कहलाती है? डाटा आर्किटेक्चर कहलाती है, ठीक है। हेडूप बेस्ड एनालिटिक्स मींस कि आप ये डेटा साइंटिस्ट तो रिजल्ट के ऊपर काट करते हैं, डेटा ऑप्टिमाइजेशन पे बात करते हैं, और डिसीजन मेकिंग एंड सॉफ्ट स्किल होती है, ठीक है। डाटा इंजीनियर क्या करता है? रिपोर्टिंग, डेटा विजुअलाइज करता है, और ये स्प्रेडशीट बनाया। देखो स्प्रेडशीट क्या होती है, इससे हम डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन डेटा इंजीनियर केवल डेटा गैदर करता है, रिपोर्टिंग करता है, और डाटा साइंटिस्ट क्या है, उस पर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत दो बड़े बड़े अपन ने टॉपिक देखे, एक तो बिजनेस एनालिटिक्स देखा, एक डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर और बिजनेस एनालिटिक्स, इन तीनों में मेजर डिफरेंस देख लिया। सेकेंड पार्ट के अंदर अपन करियर इन डाटा एनालिटिक्स के ऊपर थोरली बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर शामिल है, कौन से पॉइंट अपन इसके अंदर शामिल नहीं है, और आज के तारीख में डेटा एनालिटिक्स का बिजनेस का जो करियर है, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स कह लो या डेटा एनालिटिक्स कह लो या डेटा इंजीनियर कह लो, इन तीनों का करियर कहां पर स्टैंड करता है, किसमें ज्यादा पैकेज है, किसमें कम है। और अगर आप आईटी के हैं तो आप वैसे तो सब आईटी के ही देख रहे होंगे, फिर भी अगर आप आईटी फील्ड के हैं तो इसमें अपना करियर कैसे प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, कि ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो हो गया है। तो जय हिंद। आपको समझ में आया नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद।